के समय कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे और अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि आज दो प्रकार की खबरें हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको दो पॉइंट बताऊंगा जिसके आधार पर आप जो है वाटर सॉल्युबल खाद के खर्चे कम कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम पहले बात कर लेते हैं अच्छी खबर के बारे में। तो अच्छी खबर ये है दोस्तों कि मोदी सरकार के द्वारा खरीफ सीजन 2022 के लिए फास्फेटिक और पोटास के लिए 60,939 करोड़ की सब्सिडी दी गई है, जिसके कारण हुआ ये कि आपकी जो नॉर्मल खादें थी जैसे यूरिया है, डीएपी है, इनके रेट पुराने ही रहेंगे हमारे। ठीक है, तो आज इस वीडियो हम ये चर्चा करेंगे कि इफ्को के द्वारा जो नए रेट लिस्ट जारी की गई है वो क्या है, दूसरा इफ्को के द्वारा वाटर सॉल्युबल के जो रेट हैं वो क्या है। दोस्तों अभी के समय पर खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है और इस मुश्किल भरे समय पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहले से ही दवाइयों के रेट काफ़ी बढ़े हुए थे, जैसे फंगीसाइड है, इंसेक्टीसाइड, वहीं रेट जो है लेबर के भी बढ़े हुए हैं हमारे, ये भी हमारा खर्चा बढ़ा हुआ है, बाकी चीज़ों के भी रेट बहुत तेज़ हो गए हैं। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो वाटर सॉल्युबल खाद हैं उनके रेट बहुत बढ़ चुके हैं, लगभग 50% से लेके 100% तक बढ़ चुके हैं, यानी 1.5 से 2 गुने रेट हो चुके हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की, और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी की रेट लिस्ट क्या है इफ्को की। ठीक है, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल में यदि आप पहली बार आए हैं तो ज़रा ये लाल वाला जो बटन आपको दिख रहा है इसको ज़रा प्रेस कर दें, तो आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और आपको नई नई जानकारियां समय समय पर मिलते रहेंगी, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इफ्को के यूरिया के रेट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर यूरिया की जो रेट है वो लगभग 2450 रुपये है, जिस पर सरकार जो है हमें 2183.50 रुपये की सब्सिडी देती है। इसके बाद जो रेट हमें मिलते हैं वो सब्सिडी के बाद 266.50 रुपये की मिलते हैं। ठीक है, तो ये रहे दोस्तों यूरिया के रेट। अब हम बात कर लें डीएपी की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दोस्तों डीएपी की जो रेट हैं वो लगभग 473 रुपये हैं, जो सब्सिडी के बाद हमें 1350 रुपये में मिल जाती है। वहीं यदि हम एनपीके की बात कर रहे हैं तो एनपीके हमें 3291 रुपये की अंतर्राष्ट्रीय रेट है उसके, जिसमें जो है 1918 रुपये सब्सिडी देने के बाद 1470 रुपये की हमें डीएपी नए रेट पर मिलेगी। वहीं यदि हम पोटास की बात करें यानी कि एमओपी, तो उस पर जो है जो अंतर्राष्ट्रीय रेट हैं वो है 2654 रुपये, और जिस पर सब्सिडी देती है सरकार 759 रुपये, और सब्सिडी के बाद हमें जो मार्केट पर रेट मिलेंगे इपको के द्वारा वो मिलेंगे 1700 रुपये। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि सरकार ने जो सब्सिडी दी है 60,939 करोड़ की, इसके बाद ये फ़र्क आए, नहीं तो अभी के रेट जो है बहुत बढ़े हुए मिलते। देखा दोस्तों, सरकारी सब्सिडी के बाद इपको के जो रेट हैं वो स्थिर हैं, ये एक खुशी की बात है। अब हम बात कर लेते हैं एक हमारे जो हमने कही थी आपको कि एक बुरी खबर है, तो बुरी खबर ये दोस्तों है कि वाटर सॉल्युबल के जो रेट हैं वो बढ़ गए हैं। जो 1919 आपको पहले कम दामों पर मिलती थी वो आज की डेट पर 180 रुपये पर केजी मिल रही है। यदि हम 13045 की बात करें तो वो भी 180 रुपये केजी आपको मिलेगी, और जो 1261 के रेट है दोस्तों वो है 289 रुपये पर केजी। वहीं यदि हम 5234 की बात करें तो 5234 हमें मिलेगी 279 रुपये में, यानी 279 पर। देखा दोस्तों आपने कैसे इफ्को के द्वारा जो रेट हैं वो बढ़ा दिए गए हैं वाटर सॉल्युबल खाद की। इसी प्रकार से जो अन्य कंपनियां हैं मार्केट पर उनके भी रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं, लगभग इसी हिसाब से रेट बढ़ चुके हैं। दोस्तों ये रेट इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि इंडिया जो है पोटास और फास्फोरिक एसिड का इम्पोर्ट करता है, और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर जो है रेट इनके बढ़े हुए हैं, तो इसके कारण जो है वाटर सॉल्युबल जितनी भी खादें हमारी उनके सारे रेट बढ़े हुए हैं। देखा दोस्तों आपने कि कैसे रेट बढ़े हुए हैं मार्केट पर, और ये काफ़ी चिंताजनक विषय है। चलिए दोस्तों अब हम वीडियो के विशेष बात की तरफ बढ़ते हैं। तो विशेष बात दोस्तों ये है कि हम खाद के रेट और जो खाद में खर्चा होता है वो कैसे कम कर सकते हैं। तो खर्चा कम करने का सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है कि हमारी ज़मीन का हम परीक्षण करवाएं। ठीक है, मिट्टी परीक्षण यदि आप करवा लेते हैं तो आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आपकी ज़मीन पर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप जो है एक्सेस जो खाद आप दे रहे थे वो आप कम कर देंगे, यानी पोटास की ज़रूरत है आप पोटास देंगे, यदि आपकी ज़मीन पर फास्फोरस की ज़रूरत है तो आप फास्फोरस देंगे, तो ये थोड़ी सी कटौती हो सकती है। दोस्तों रेट कटौती का एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जो दोस्तों हमारे आसपास इफ्को के सेंटर हैं, ठीक है, तो इन पर जाकर आप देखें कि कहीं उनके पास पुरानी एमआरपी वाला यदि स्टॉक है तो आप उसको ख़रीद लें, तो आपको जो स्टॉक है वो कम रेट पर मिल जाएगा और आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों दो बेनिफिट जो आपको मैंने आज इस वीडियो पर बताए विशेष बात के रूप में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल यदि अपना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।